हाँ जी, 5th क्लास आपका जो सेकंड सम है कंप्लीट द टेबल, वो अपने जैसे आप काउंटिंग कंप्लीट करते हो वैसे काउंटिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना इस टेबल को। आपका 3rd सम है री राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बाय ग्रुपिंग दैम पीरियड वाइज एंड यूजिंग कॉमास। आपने ए वाले टर्म जो ए एंड बी पार्ट आपको गिवन है इसको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है, यूजिंग कॉमर्स कॉमर्स की हेल्प के साथ। तो आपका फर्स्ट जैसे जो सम है उसको आपने क्या करना, सबसे पहले इंडियन सिस्टम में लिखोगे तो इंडियन सिस्टम में आप करते हो जो भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट वाला सिस्टम है, जैसे जो आपके 1th पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, 100th पोजीशन पे, उन तीनों को छोड़ के क्या लगाओगे कॉमा, फिर कौन सा आता है 1000 वाला और 10,000 वाले को इकट्ठा कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे आप, 1 लाख 10 लाख वाले को इकट्ठा करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपने कॉमा लगाते जाना। जैसे आप क्या करते हो, सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़ते हो, फिर दो को एंड अप टू सो ऑन, दो दो को छोड़ते जाते हो। अब यहाँ पे हमने कितने नंबर छोड़े हैं, 1 2 3, इस आपने अपनी राइट हैंड वाली साइड से स्टार्ट करना है नंबर्स को छोड़ना, डिजिट को छोड़ना, इसी तरफ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर कितने छोड़ने हैं, 2 1 2, ठीक है, 2 को छोड़ के आपने कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट क्या आपके पास 4 एक ही बचा, ठीक है, तो हमें इसके आगे कॉमा नहीं लगा सकते, अगर ये टर्म आगे आगे जाती तो हमने 2 नंबर्स को छोड़ के फिर से कॉमा लगा देना था। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें आप 3 3 नंबर्स को छोड़ते हो, इसी राइट हैंड वाली साइड से 3 3 नंबर्स को छोड़ते हो, जैसे 1 2 3, 3 को छोड़ दिया फिर कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 3, ठीक है, अगर इसके आगे नंबर होता तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा देना था। ऐसे आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या करोगे, इंडिया सिस्टम में क्या करते हो, पहले 3 को छोड़ते हो, तो 1 2 3, 3 को छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 1 2, तो इसके आगे अगर कोई नंबर होता तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा देना था। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हो, 3 3 छोड़ते हो ना, 1 2 3 1 2, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसे आप ऐसे ही लिखोगे।